इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। इस वक्त आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाया जा रहा है और कुछ बड़े सोशल मीडिया चैनल्स पर इस फैसले को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक बड़ा ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि कुछ लड़ाइयां जो हैं वो हारने के लिए लड़ी जाती हैं। सबसे पहले आपको ये हम ट्वीट दिखाने की कोशिश करेंगे कि कपिल सिब्बल के इस ट्वीट को आप किस तरह से देखते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सम बैटल्स आर फॉर टू बी लॉस्ट। ये ट्वीट जो है वो एडवोकेट कपिल सिब्बल का है, क्योंकि एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लड़ा और इन्हें जो है वो केस लड़ने के लिए हायर किया गया था। लेकिन आप कपिल सिब्बल के इस ट्वीट को किस तरह से देखते हैं आप ज़रूर बताइएगा। ये एडवोकेट कपिल सिब्बल का ट्वीट है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ लड़ाइयाँ जो हैं वो हारने के लिए लड़ी जाती हैं। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं जो है वो ये एडवोकेट्स हार की ओर जा रहे हैं, कहीं ये फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम की हार की तरफ ले जा रहा है। आप देखें इस ट्वीट को एक बार। फॉर हिस्ट्री मस्ट रिकॉर्ड्स द अनकंफर्टेबल फैक्ट्स फॉर जनरेशन टू नो द राइट एंड रॉन्ग ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्शंस विल बी डिबेटेड फॉर ईयर्स टू कम। हिस्ट्री अलोन इज द फाइनल आर्बिटर ऑफ द नॉर्मल कंपास ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरिक डिसीजंस। ये जो है एडवोकेट कपिल सिब्बल का ट्वीट है और इस वक्त लगातार 370 के मामले पर फैसला सुनाया जा रहा है। एक तरफ ये खबरें निकल कर सामने आ रही है कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती को इस वक्त जो है वो होश अरेस्ट किया गया है, लेकिन दूसरी जानब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया है कि दफा 370 के फैसले को मद्देनजर रखते हुए किसी भी शख्स को होश अरेस्ट नहीं किया गया है। क्योंकि गुज़श्ता कल आईजीपी कश्मीर वृद्धि कुमार वृद्धि ने भी यही कहा था कि हम किसी को होश अरेस्ट नहीं करने वाले, हमारा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन अगर किसी शख्स ने पुरामन माहौल में खलल डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ ज़रूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज सभी लोग जो हैं इस फैसले का इंतज़ार कर रहे थे और बहरहाल अब 5 जजों की ये बेंच जो है वो फैसला सुनाने के लिए बैठ चुकी है। फैसला क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा आप जो है दिल थाम कर बैठिए, आप बड़े पुरसकून माहौल में इस फैसले को सुनिए और बिल्कुल भी कोई ऐसी हरकत ना कीजिए जिसके चलते आपको आने वाले वक्त में इसका खमियाजा भुगतना पड़े। और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें ये भी खबरें मौसूल हुई हैं कि अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम इस वक्त जम्मू कश्मीर में किए गए हैं। आप सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें ना फैलाएं, आप जो है पूरे पुरसकून माहौल में इस फैसले को सुने, क्योंकि फैसला जिसके हक में भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो 5 जजेस बेहतर जानते हैं कि हमने किस तरह से फैसला देना है और किसके हक में देना है। अगर हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो आर्ग्यूमेंट्स में जिस तरह से जो पेटिशनर्स की जानिब से आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे उसमें जो सबसे बड़ा इशू उठाया गया था उसमें ये कहा गया था कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वही इसमें अमेंडमेंट कर सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर्स नहीं थी कि वो जम्मू कश्मीर से 370 को हटाती और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन होना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर में 1957 में जो है वो एग्जिस्ट कर दिया था उसने। उसके बाद जो है जो मरकजी सरकार की जानिब से आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे उसमें यह कहा गया था कि जो वार्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है ये आर्टिकल 370 क्लास 3 में जिस तरह से बयां करता है और 2019 में जो फैसला लिया गया इसमें हमें गवर्नर की जानिब से रिकमेंडेशंस दी गई थी, क्योंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल था, हमें रिकमेंडेशंस मिली थी और उसी रिकमेंडेशन की बिना पर हमने आर्टिकल 370 को यहाँ से मंसूख किया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर का कोई परमानेंट स्टेटस नहीं है, ये एक टेम्परेरी स्टेटस है और कुछ समय बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से एडवोकेट कपिल सिब्बल का एक ट्वीट सामने आया, इस ट्वीट को आप किस तरह से देखते हैं और आप कौन सी जगह से हमें देख रहे हैं आप बता सकते हैं? क्या आपके वहाँ भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई जगहों से ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती को होश अरेस्ट किया गया है, लेकिन इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये अफवाहें हैं,
ऐसी कोई भी हरकत अभी तक नहीं की गई है, किसी को हॉर्स रेस नहीं किया गया है। अब देखना ये ज़रूर होगा फैसला क्या आएगा, किसके हक में फैसला आएगा, लेकिन आप लोग जो है वो पुरसकून माहौल में जो है इस फैसले को सुने, इत्मीनान से इस फैसले को सुने, सोशल मीडिया पर भड़ास निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने भड़ास निकालने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।